कहता है पर्सन बाई होम प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म। अब प्रॉमिस जिसने किया है वो किसने परफॉर्म करना है, जिसने वादा किया है उसने परफॉर्म करना है, और कौन परफॉर्म कर सकते हैं ये पूछ रहा है। कहता है इफ इट इज अपेयर फ्रॉम द नेचर ऑफ केस दैट इट वाज द इंटेंशन ऑफ पार्टीज टू एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट एनी प्रॉमिस कंटेन इट इन इट इट शुड बी परफॉर्म बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ। अगर दावे और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही लिखा हुआ है कि जी ये सिर्फ आपका प्रोमिसर मतलब जो ऑफरर ही परफॉर्म करेगा, सच प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय सच प्रोमिसर। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वही आपके प्रोमिसर ही करेगा। ठीक हो गया कि जहां पे लिखा गया है कि जी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको परफॉर्म करेगा आपका प्रोमिसर, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ प्रोमिसर ही परफॉर्म करेगा, उसको प्रोमिसर ही परफॉर्म करेगा। ठीक हो गया। आगे जी आपका इन अदर केसेस किसी दूसरे केस में सेंस में द प्रोमिसर आर हिज रिप्रेजेंटेटिव मे इम्प्लाई टू बी इम्प्लाई मे इम्प्लॉय अ कॉम्पिटेंट पर्सन टू परफॉर्म इट। ठीक है, जहां पे स्पेसिफिकली लिख दिया कि जी प्रोमिसर ही काम करेगा तो वही करेगा, अगर नहीं लिखा गया तो फिर प्रोमिसर कर सकता है, उसके रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं, या प्रोमिसर और रिप्रेजेंटेटिव किसी कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, ए ने कहा प्रॉमिस टू पे बी सम ऑफ मनी मे परफॉर्म दिस प्रॉमिस आइदर पर्सनली आर पेइंग मनी टू बी बाई कॉजिंग इट टू बी पेड बाई अनदर पर्सन। इफ बे डाइज बिफोर द टाइम अपॉइंटिंग हिज रिप्रेजेंटेटिव मस्ट परफॉर्म द मनी आर इम्प्लाई सच पर्सन टू डू। ठीक है, ए ने कहा बी को कि जी मैं आपको 10 लाख दूंगा। अब ए 10 लाख खुद दे सकता है, किसी से दिलवा भी सकता है। अब ए की डेथ होगी तो बी ए के बच्चे जो हैं वो खुद दे सकते हैं, या किसी को अपॉइंट कर देंगे कि जी तुम इसको दे दो, दैट्स इट। आगे वही सिंपली ए प्रॉमिस टू पे अ पेंट अ पिक्चर ए मस्ट परफॉर्म पर्सनली, अब वो पर्सनली परफॉर्म करेगा। इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग प्रॉफिट फ्रॉम थर्ड पर्सन। कहते हैं व्हेन अ प्रॉमिसी व्हेन प्रॉमिसी एक्सेप्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम दी प्रॉमिस फ्रॉम थर्ड पर्सन ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड इनफोर्स अगेंस्ट दी प्रोमिसर। देखें अब ए ने कहा कि जी चले मुझे कोई थर्ड पर्सन दे दे, एक जो प्रॉमिसी है जो आपका प्रॉमिसी या आपकी जो एक्सेप्ट करने वाला वो कहता है चले जी मुझे 10 लाख मिस्टर ए दे दे या कोई बंदा भी दे दे। अब वो 10 लाख किसी से ले लेता है ए के कहने पे, कल को ये नहीं होगा कि 10 लाख फिर मिस्टर ए को भी आगे कह के जी आप भी 10 लाख दें, नहीं, दो दफा तो नहीं ना लेगा। ठीक है, दो दफा नहीं लेगा, एक दफा मांग लिया तो फिर दूसरी दफा नहीं मांगा जाएगा। आगे कहता है डिवोल्यूशन ऑफ आपकी ज्वाइंट लाइबिलिटीज। डिवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटीज कहता है वन टू और मोर पर्सन मेड अ ज्वाइंट प्रॉमिस देन अनलेस कंट्रेरी इंटेंशन अपेयर टू दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑल दी सच पर्सन ड्यूरिंग दी देयर ज्वाइंट लाइफ एंड आफ्टर डेथ ऑफ देयर देम ऑफ हिज रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइंटली विद दी सर्वाइवर्स आफ्टर डेथ ऑफ लास्ट सर्वाइवर रिप्रेजेंटेटिव आ ज्वाइंट ज्वाइंटली मस्ट फुलफिल दी प्रॉमिस। देखें जब
ए से जो है ना, मिस्टर ए से 50,000 लेते हैं मिस्टर बी एंड सी। मिस्टर बी एंड सी कहते हैं कि जी हम आपको पे करेंगे, तो कल को मिस्टर बी एंड सी पे करेंगे, या फिर मिस्टर बी एंड सी के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो प्रूव करेंगे। अगर मिस्टर ए एंड बी की डेथ हो जाती है, उनकी में से मिस्टर ए के वारसन की भी डेथ हो जाती है, तो अगला जो मिस्टर बी है उसके वारसन सारे पे करेंगे। मतलब जो 2% ने, 4% ने मिलके कोई वादा किया, तो वो चार दो 4% ने करना है, या उनके जब जो वारसन होंगे वो करेंगे। आगे कहता है एनी वन ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिसर में कंपेल्ड टू परफॉर्म, उनको कहा सकता है कि जी आप परफॉर्म करें। कहता है वन टू आर मोर पर्सन मेक ज्वाइंट प्रॉमिस, दी प्रॉमिसी में इन एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट कंट्रेरी कंपेल एट एनी वन आर मोर ऑफ सच ज्वाइंट पर्सन टू परफॉर्म मोर प्रॉमिस। ठीक है, टू परफॉर्म होल प्रॉमिस। देखें मोहसिन साहब से ये अली अनवार साहब ने, शुएब साहब ने, खुर्शीद साहब ने और मैडम नरगिस साहबा ने, पांच लोगों ने मिल के 1 लाख रुपए लिया। ठीक है, अब ये जो पैसे लेने वाले हैं इन्होंने कहा कि जी हम आपको 1 महीने तक देंगे या 1 साल तक देंगे। ये कौन है? ये प्रोमिसर है। और प्रोमिसी कौन है जो देने वाला है? मोहसिन साहब। मोहसिन साहब फिर इन सब को या इनमें से किसी एक को पकड़ लेंगे कि जी आप मेरे पेमेंट दिखा दें, सारी पेमेंट मुझे आप करें, मुझे नहीं किसी से लेना देना। ठीक है, वो आपका पकड़ेंगे इधर अली अनवार साहब को कि जी आप 1 लाख मुझे दें, मेरी जान छोड़ें। इनको फोर्स भी कर सकते हैं किसी एक को, सबको भी किसी एक को भी। ठीक है, सपोज के फिर बाद में अगला हम पढ़ेंगे 40। ठीक है, तो मोहसिन साहब, अली अनवार साहब मतलब वन ऑफ दी ज्वाइंट प्रोमिसर, वन ऑफ दी ज्वाइंट प्रोमिसर, वो सारी 1 लाख पे कर देते हैं, तो फिर यही अली अनवार साहब बाकियों के जो शेयरबंद है उनसे ले लेंगे। ठीक है, मतलब जब 10% मिलके कोई एक प्रॉमिस करते हैं, तो ज्वाइंट प्रॉमिस करते हैं, तो उनमें 10 में से किसी को भी परफॉर्म किया जा सकता है कि जी आप का कंपेल किया जा सकता है कि जी आप परफॉर्म करें। कहता है एवरी प्रोमिसर में कंपेल कंट्रीब्यूशन, कहता है ईच ऑफ द टू और मोर ज्वाइंट प्रोमिसर में कंपेल एवरी अदर ज्वाइंट प्रोमिसर टू कंट्रीब्यूट इक्वली विद हिमसेल्फ टू परफॉर्म टू द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस अनलेस कंट्रेरी इंटेंशन अपेयर फ्रॉम द कंट्रैक्ट। कहता है एवरी टू और मोर ज्वाइंट प्रोमिसर में कंपेल टू ज्वाइंट प्रोमिस टू कंट्रीब्यूट इक्वली, कंट्रीब्यूट इक्वली विद हिमसेल्फ टू परफॉर्मेंस अनलेस कंट्रेरी इक्वल। कि जब देखें 5% ने मिलके 1 लाख रुपए लिया है, तो वो पांचों पे डिवाइड होगा, वो इक्वली देंगे। 5% है तो वो 20 लाख 1% देगा, 20 लाख 1% देगा। अगर सारे पैसे मिस अली अनवार साहब पे कर देते हैं 1 लाख रुपया, तो वो बाकियों से लेगा। शेयर एंड लॉस इन डिफॉल्ट, कहता है इफ एनी वन ऑफ दी टू और मोर ज्वाइंट प्रोमिसर मेक डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, एक बंदा डिफॉल्ट करता है, तो रिमेनिंग प्रोमिसर बेयर दी रिमेनिंग प्रोमिसर बेयर दी लॉस अराइजिंग फ्रॉम सच डिफॉल्ट। देखें कल को सपोज के ये 5% है, अली नवाज साहब हैं, खुर्शीद साहब हैं, शुएब साहब हैं, ठीक है, और आपका मिस नरगे साहब हैं, इन्होंने इन पांच लोगों ने मिलके 1 लाख देना था। उनमें से जो है ठीक है, उनमें से सपोज के एक ये आपका अली नवाज साहब नहीं देते, डिफॉल्ट कर जाते हैं किसी भी वजह से नहीं देते, तो बाकी जो 4% है वो पूरा 1 लाख जमा करवाएंगे। ये नहीं कहेगा कि जी 20 लाख हमारा शेयर 20 20 लाख बनता है वो लें, नहीं,
बाकी जो होंगे वो 20,000 जो इनका है अली अनवार साहब का लॉस, वो भी बाकी ज्वाइंट प्रोवाइजर देंगे। ठीक है, आगे कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट श्योरिटी फ्रॉम रिकवरिंग हिज प्रिंसिपल अ पेमेंट मेड बाई दी श्योरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ टू अ प्रिंसिपल। ठीक है, अब कहता है कि जी इस एक्ट के तहत ये श्योरिटी अगर दे देता है तो फिर श्योरिटी जो है अपने प्रिंसिपल से रिकवर कर सकता है। सपोज के अली अनवार साहब जो है ये मिस अम्बरीन सिद्दीकी साहबा को कहते हैं कि जी मेरी श्योरिटी दे दें कि मैं दूंगा। अब मिस अम्बरीन सिद्दीकी साहबा क्या करती हैं, चले अनवार साहब की श्योरिटी देती हैं और डिफॉल्ट पर अनवार साहब के पेमेंट भी कर देती हैं 20 लाख। तो फिर कल को अम्बरीन सिद्दीकी साहबा अनवार साहब से 10-20 हज़ार वो लेंगी, लेने की राइट, लेने का राइट रखती हैं। आ गया जी आपका नथिंग इज सेक्शन शेल प्रिवेंट इंटाइटल अ प्रिंसिपल फ्रॉम रिकवर एनीथिंग फ्रॉम द श्योरिटी ऑन द अकाउंट ऑफ पेमेंट मेड बाई प्रिंसिपल। ठीक हो गया, जो श्योरिटी पे देते हैं। ये दो तीन इलस्ट्रेशन आप समझेंगे तो आपको समझ आएगी। ए बी सी ज्वाइंटली प्रॉमिस टू पे डी 3,000, डी मे कंपेल आइदर ए बी सी टू पे हिम। आप ए बी सी डी ने मिलके डी से 30,000 लिया, 3,000 लिया। अब डी जो है ए बी सी किसी को भी कंपेल कर सकता है कि जी मुझे 3,000 दे दे। आगे कहता है ए बी सी डी ने 3,000 लिया, सी इज कंपेल्ड टू पे होल इज कंपेल्ड सी को कहा कि जी आप सारे पेमेंट कर दो। सी ने सारी पेमेंट कर दी। ए इज इंसॉल्वेंट बट ही हैज एसेट्स ऑप्शन टू 1/2। ठीक है, सी इज इंटाइटल टू रिसीव 5,000 फ्रॉम ए स्टेट एंड 12,000 फ्रॉम दी बी। ठीक है, अब कहता है कि जी सी जो है ना, सी ये 3,000 दे देता है। ए बी सी मिल के 3,000 लिए हैं डी से, कल को सी पेमेंट कर देता है। बाद में ए का जो शेयर बनता है, ठीक है, ए का जो शेयर बनता है 1,000 रुपया, वो हो जाता है इंस्टॉलमेंट। लेकिन उसका जो एसेट्स होती है उसकी आधा पेमेंट करवा देती है। मतलब ए के मतलब सी के खिलाफ 1,000 रुपया बनता था ना, उसने 500 दे दिया। ठीक है, अभी देखें 1,000 टोटल कितनी है, 3,000 है ना। ए भी ए 10,000, फिर बी भी 10,000, फिर सी भी 10,000। ठीक है, और सी भी 10,000, सॉरी सी भी 1,000। ठीक है, ये पेमेंट देनी है, टोटल 3,000 हो गया। ठीक हो गया, कल को ये टोटल पे कर देता है सी। सी पेड टोटल टोटल 3,000 पे कर देता है। ठीक हो गया, और बकाया ए के ए ए इसने तो पे कर दिया, इन दोनों के जिम्मे 2,000 था। ठीक है, ए जो पे कर आगे जो ए पे करता है 500, बी फिर पे कर देता है 1,000 रुपया। ठीक है, अब कितनी कम रह गए, अब रह गए 500। मिस्टर ए ने डिफॉल्ट किया 500 का। अब ये जो 500 जो होगा ना, बकाया दो पे डिवाइड होगा। ये 500 के कैसे बकाया दो पे डिवाइड होगा, ये 500 आपका इनमें से 250 पे करेगा मिस्टर सी मिस्टर बी, और 250 पे करेगा आपका मिस्टर ए। ठीक हो गया, और 250 पे करेगा आपका मिस्टर ए। ए कैसे, 10,000 उसने दिया, 250 और, तो ये आपका टोटल हो जाएगा 3,000। ये कहा गया है इलस्ट्रेशन में, इस इलस्ट्रेशन में और कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया, ए इंस्टॉलमेंट बट इज एसेट्स आल्सो ऑप्शन टू पे 1/2 ऑफ इज डेट। मतलब 500 वो पे कर सकता है। सी इज इंटाइटल टू रिसीव 500 फ्रॉम एज स्टेट, ए से तो 500 ले लेगा, और बकाया 250 किससे लेगा, फ्रॉम
20 है, क्यों 250 उससे ले लेगा और फिर 250 अपने उसके हिसाब में आ जाएगा। वाह ठीक हो गया जी, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह आगे कहता है, ए बी सी आर ज्वाइंट प्रॉमिस टू डी, सी इज अनेबल टू पे एनीथिंग, ए इज कंपेल्ड टू पे होल, ए इज इंटाइटल टू रिसीव 1500 फॉर बी। यहाँ पे वही वही सीन है, ये इसी को हम मैं आगे इसी को समझा देता हूँ कि देखें अब यहाँ पे कौन, यहाँ पे जो है मिस्टर मिस्टर सी दिवालिया हो गया है, ठीक है, मिस्टर सी दिवालिया हो गया है, मिस्टर सी के पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसके पास कुछ भी नहीं है, जीरो है, ठीक है। ये टोटल पे कौन करता है, टोटल 3000 पे कर देता है मिस्टर ए, ठीक है, फिर वो उसके पास तो जीरो है, फिर 1500 लेगा आपका 20 से, इसी तरह 1500 वो खुद पे करेगा, ये कहा गया है इसमें, ठीक होगा। आगे कहता है आपका ए बी सी डी ज्वाइंट प्रॉमिस, ए एंड बी बीइंग श्योरिटीज ऑफ सी फेल टू पे, ए एंड बी आर कंपेल्ड टू पे द होल अमाउंट फ्रॉम एंड दे आर इंटाइटल टू पे रिसीव इट फ्रॉम सी। देखें ए बी सी ने मतलब वादा किया था डी को कि हम पैसे देंगे, कल को ए और बी और सी जो है, ए और बी जो होते हैं वो श्योरिटी होते हैं सी के, मतलब ए और बी सी की तरफ से दे देते हैं, कल को फिर वो सी से रिकवर करेंगे बकाया अमाउंट, सीजी या कुछ भी नहीं है। आगे आपका आ जाता है इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन ज्वाइंट प्रोमिसर, कहता है व्हेन वन आर मोर पर्सन हैव मेड अ ज्वाइंट प्रॉमिस आर रिलीज ऑफ वन ऑफ सच ज्वाइंट प्रॉमिसर बाई प्रोमिजी डज नॉट डिस्चार्ज दी अदर ज्वाइंट प्रोमिसर आर प्रोमिजर्स। कहता है व्हेन टू आर मोर पर्सन हैव मेड ज्वाइंट प्रॉमिस, ज्वाइंट प्रॉमिस करते हैं, आर ए रिलीज ऑफ वन ऑफ सच ज्वाइंट प्रोमिसर बाई प्रोमिजी डज नॉट डिस्चार्ज दी अदर फ्रॉम प्रोमिसर टू प्रोमिजी। देखें आपका कहता है कि जी सपोज के इधर देखें, 3000 देना था किसको, 3000 देना था मिस्टर डी को, किसको डी को, किस कितनी देना था 3000, ठीक है 3000 देना था। अब डी ने क्या किया, डी 1000 बनता था, ए के पास बी के पास भी 1000, सी के पास भी 1000, डी ने क्या किया मिस्टर ए को 1000 माफी दे दी, 1000 उसको माफ कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि जी बाकियों से वो नहीं लेगा, बाकियों के से 1-1000 वो लेगा, ठीक हो गया। नाइदर डज इट फ्री द ज्वाइंट प्रोमिसर टू रिलीज फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अदर ज्वाइंट प्रोमिसर और ज्वाइंट प्रोमिसर, ठीक हो गया, एक को माफी दे दी तो इसका मतलब नहीं है कि दूसरे को भी माफी होगी। आगे कहता है व्हेन अ पर्सन, कहता है वन अ पर्सन हैज मेड टू अ प्रोमिस टू मोर पर्सन ज्वाइंटली देन अन व्हेन वन पर्सन व्हेन अ पर्सन मेड प्रोमिस टू टू और मोर पर्सन ज्वाइंटली, जब एक शख्स ने एक या एक से ज्यादा लोगों से ज्वाइंट प्रोमिस किया है, देन क्या होगा, अनटिल लेस कंट्री इंटेंशन अपेयर फ्रॉम दी कंट्रैक्ट दी राइट टू क्लेम प्रोमिस रेस्ट एज बिटवीन हिम एंड देम विद देम ड्यूरिंग दी देयर ज्वाइंट लाइफ, ड्यूरिंग देयर ज्वाइंट लाइफ एंड आफ्टर द डेथ ऑफ एनी वन एनी ऑफ देम विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पर्सन ज्वाइंटली विद द सर्वाइवर और सर्वाइवर्स एंड आफ्टर डेथ ऑफ लास्ट सर्वाइवर विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ज्वाइंटली, ठीक है, कि आपका जो
वो राइट्स जो है वो डिवाल्व हो गया हो जाएगा बाकियों की तरफ, बाकियों की तरफ आपका राइट्स डिवाल्व हो जाएगा, ठीक हो गया। कहता है कि जी ए इन कंसिडरेशन ऑफ 5,000 रुपीज लेंट टू हिम बाई बी एंड सी प्रॉमिसेस बी एंड सी ज्वाइंटली टू री पे दम दैट सम विद द इंटरेस्ट ऑन द डे ऑफ स्पेसिफाइड। बी डाइज द राइट टू क्लेम द परफॉर्मेंस रेस्ट ऑन बीज रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइंटली विद सी ड्यूरिंग सीज लाइफ एंड आफ्टर द डेथ ऑफ सी विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बी एंड सी ज्वाइंटली विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बी एंड सी ज्वाइंटली। अब देखें ए ने कहा, ए ने जो है वो 5,000 दिए उधार दिए किसको, बी एंड सी, ठीक है। आगे कहता है प्रॉमिस बी एंड सी ज्वाइंटली टू रीपे देम दैट सम विद इंटरेस्ट ऑन सर्टेनिटी, ठीक है। ए ने बी और सी को 5,000 दिया और उसको कहा कि जी आपने आपने मुझे 1/1/2025 को 5,000 वापस करना है, साथ सूद भी वापस देना है, ठीक है, साथ सूद भी वापस देना है। अब ए और बी ने उधार लिया था, ठीक है, बी मर जाता है, पीछे रह गया सी, ठीक है। दी राइट टू क्लेम दी परफॉर्मेंस रेस्ट ऑन बीज रिप्रेजेंटेटिव, बी मर गया तो बी के रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे ज्वाइंटली विद दी सी, सी होगा और बी के रिप्रेजेंटेटिव ड्यूरिंग सीज लाइफ एंड आफ्टर द डेथ ऑफ सी विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बी एंड सी ज्वाइंटली। सिंपली कहता है कि जी ए ने जो पैसे दिए हैं बी और सी को तो बी और सी से लेंगे, अगर उनमें से दो एक या दोनों की डेथ हो जाती तो उनके लीगल हेयर से लेंगे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। कि अगर एक बंदे की डेथ हो जाती है ज्वाइंट राइट्स वालों की तो वो आपका राइट्स डिवॉल्व कर जाएगा उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे डिवॉल्व कर जाएगा। आगे कहता है टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस वही होगा जो टाइम दिया गया है, अगर नहीं दिया गया तो रीजनेबल टाइम। टाइम दिया गया कि जी आपने मुझे सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों का सीजन, सर्दियों के गारमेंट्स मुझे आपने 1 दिसंबर 2021 तक पहुंचा देना है लाजमी, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं गारमेंट्स हैं। आगे अगर यही टाइम नहीं बताया जाता तो सर्दियों का सामान आपने जरूर सर्दियों में भेजना है, किसी भी टाइम, गर्मियों में नहीं भेज सकते, ये रीजनेबल टाइम होगा। रीजनेबल टाइम होता है आपका, रीजनेबल टाइम आपका वेरी करता है केस टू केस, लेकिन यह है कि वो इसको क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है जिसको प्रूव करना पड़ता है, सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। कहता है व्हेन वेयर बाय कॉन्ट्रैक्ट, वेयर बाय कॉन्ट्रैक्ट, वेयर बाई कंट्रैक्ट अ प्रोमिसर इज टू परफॉर्म हिज प्रोमिस विद आउट अप्लीकेशन बाई प्रोमिसी, ठीक है। प्रोमिसर ने परफॉर्म किया है लेकिन प्रोमिसी ने नहीं कहा, एंड नो टाइम फॉर परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड, और कोई टाइम भी परफॉर्म नहीं किया गया। द इंगेजमेंट मस्ट बी परफॉर्म्ड विद इन रीजनेबल टाइम। देखें वही मैं कह रहा हूँ कि जी अब उनको कहा गया कि जी आप हमें गारमेंट्स का सामान भेजें, लेकिन टाइम नहीं बताया गया कि जी गारमेंट का सामान मतलब जो है आप नवंबर में भेजें, जनवरी में भेजें, दिसंबर में भेजें, कब। तो यहाँ पे वो रीजनेबल टाइम में होगा, मतलब सर्दियों में ही होगा, ये नहीं है कि जी आप गर्मियों में भेज दें ना,
आगे कहता है आपका टाइम प्लेस एंड परफॉर्मेंस वेयर दिस नो स्पेसिफाइड टाइम गिवन, अगर कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं किया गया तो जो आपका जब प्रोमिसर कहेगा मे परफॉर्म एट एनी टाइम विद इन ड्यूरिंग टाइम, प्रोमिसर मे परफॉर्म इट एट यू आवर्स बिजनेस। अगर देखें उनको कहा गया जी आपने मुझे जो है डिलीवरी करनी है वो डे टाइम पे करनी है, डे टाइम पे करनी है, तो डे टाइम का मतलब या ये कहते हैं कि वर्किंग आवर्स में करनी है, वर्किंग आवर्स मतलब जो आपका जब उसकी शॉप ओपन है डिलीवरी करनी है शॉप, सुबह 8 से शाम 4 बजे तक कर दें। ये नहीं है कि जी आप फिर रात को 12 बजे आके करें जब दुकान बंद है, शटर सारा कुछ बंद है, तो वो आपका मतलब यूजुअल टाइम नहीं होगा। कहता है जब टाइम नहीं दिया गया तो प्रोमिसर परफॉर्म करेगा किसी भी टाइम कर सकता है, लेकिन यूजुअल वर्किंग टाइम में बिजनेस आवर्स में जब वो ओपन है। ऐसा नहीं है कि जी रात को 4 बजे आके कॉल करे कि जी मुझसे डिलीवरी ले, वो तो कहेगा कि नहीं मैं तो सोया हुआ हूँ या मैं तो मस्जिद में नमाज पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। आ गया जी आपका एप्लीकेशन प्रॉपर हमें सर्टेन डे एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। ठीक है, सर्टेन डे मतलब मुकर्रर टाइम, जब वादा किया जाएगा कि 1/1/2021 को, ठीक है 1/1/2021 को 1/2021 और एट 8 PM, ठीक है एट अनारकली लाहौर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये टाइम डेट एंड प्लेस बताई गई है तो इसी जगह पे होगा, टाइम डेट एंड प्लेस बताया गया तो उसी जगह पे होगा। ठीक हो गया, वो प्रॉपर टाइम वो अगर जहीं पे नहीं बताया गया तो वो ये भी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। आगे कहता है प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिसी वेयर नो एप्लीकेशन टू बी मेड विद नो फिक्स टाइम, अगर टाइम नहीं बताया गया तो प्रॉमिसी कह सकता है कि जी आप फलां टाइम करें, आप फलां टाइम करें, प्रॉमिसी कहेगा कि फलां टाइम करें तो वो उस टाइम करने का बाउंड होगा। ठीक है, अगर कहता है परफॉर्मेंस इन मैनर एंड टाइम प्रिस्क्राइब सेंक्शन बाई दी प्रॉमिसी, जिस टाइम कहेगा प्रॉमिसी कहेगा और जिस मैनर में कहेगा वैसे ही होगा, जो मैनर टाइम प्रॉमिसी बताएगा उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, जो एक्सेप्टर बताएगा अफरा नहीं एक्सेप्टर बताएगा उसके अकॉर्डिंग होगा। हाँ जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मंडे को हमारी क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी जिसमें हम ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस पढ़ेंगे और आगे कुसाई कंट्रैक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसके बाद हमारा जो होगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 72(3) वो होगा, आगे जो मेन जो कॉन्ट्रैक्ट रह जाते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, वो तीन है वो 1 या 2 दिन में हम करेंगे। हमने जो पढ़ना है 75 तक बहुत अच्छा पढ़ना है, आगे मैं व्यू दूंगा आपको। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एनी